लेकिन ये कटने के बावजूद भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब तुम जिस चीज़ को देखोगी, जिस चीज़ को सुनोगी, जिस चीज़ को सुनोगी, उसी के अकॉर्डिंग तो रिएक्ट करोगी। तो ये जो केतु है, एक तरह का राहु का गुलाम है, समझ गए? और राहु कौन है? ये जो आंखें देख रही हैं, इन देखने की ताकत को राहु कहा गया। जो सूंघ रही हो उसकी ताकत को राहु बोला गया, जो सुन रही हो उसकी ताकत को राहु कहा गया, और मुंह में निवाला डालते ही वो जो एक टेस्ट का फील आता है ना, उसे राहु कहा गया। और जब राहु खराब होता है, देखने की ताकत गलत होती है, सुनने की ताकत गलत होती है, सूंघने की ताकत गलत होती है, और टेस्ट की ताकत भी गलत होती है। इस दुनिया के अंदर बहुत दुनिया ऐसी है जिसको खाने में टेस्ट ही नहीं आता, बहुत दुनिया ऐसी है जिसको स्मेल ही नहीं आती, और बहुत दुनिया ऐसी है जो देखे हुए को गलत समझती है और सुने हुए को उल्टा समझती है। ये जिनके भी राहु खराब है उनके साथ ऐसा होता है, समझ गए? और जिनका राहु सही है वो सही देखते हैं, सही सुनते हैं, सही सुनते हैं, सही स्वाद भी पाते हैं। तो इसको जांचा कहां से जा सकता है? जिसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा है, जो एक सही चीज के टेस्ट को ढंग से पहचानता है। तो अब बात ये है, कोई किसी भी चीज को टेस्टी कहे, इसका मतलब ये नहीं कि उसका राहु ठीक है। हो सकता है वो उस टेस्ट को ठीक कह रहा है जो दुनिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ये भी पॉसिबल। तो जिसका सही टेस्ट है, समझ लो उसका राहु अच्छा है, और जिसका सही टेस्ट नहीं है, कुछ भी खा लेता है बेटा वो। और कई लोग तो ऐसे हैं जिनको नमक और मिर्च का स्वाद ही नहीं आता, आप इतनी सारी मिर्चें डाल के उनकी सब्जी में दे दो, वो खा जाते, वो कहते हैं बहुत टेस्टी है, क्योंकि वो बताना नहीं चाहते, उन्हें स्वाद ही नहीं आया। तो ये जो चीजें हैं, राहु हमारी सोच का नाम है, प्लेनेट ये मिलकर के सातों सोच पैदा करते हैं, और ये जो अब आठ जने हो गए, यानी कि सात प्लेनेट, आठवां राहु, ये नौवें को जन्म देता है, यानी हमारा कर्म, जो हाथ पांव हिलते हैं, जो हमारे कदम चलते हैं। तो इस तरह से ये संपूर्ण विज्ञान बनता है।